नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी एमटीएस 2024 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। आपकी हवलदार की जो वैकेंसी है वो आउट हो चुकी है। स्टेट वाइज वैकेंसी का कंप्लीट चार्ट आउट हो चुका है और हवलदार की 3500 वैकेंसी आपकी रिपोर्ट हुई है, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो ओवरऑल किस स्टेट में कितनी क्या वैकेंसी है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और उसके अलावा अभी तक टोटल 6000 प्लस वैकेंसी आपकी रिपोर्ट हो चुकी है। तो 6000 वैकेंसी का कंप्लीट जो चार्ट है, 6000 प्लस वैकेंसी का जो कंप्लीट चार्ट है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। उसके अलावा अभी ढेर सारी जो मिनिस्ट्री हैं उनकी वैकेंसी आना बाकी है, उसके अलावा ढेर सारे डिपार्टमेंट की वैकेंसी आना बाकी है। तो ओवरऑल कितनी क्या वैकेंसी इस बार आपकी आ सकती है, इस पॉइंट पर भी इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप एमटीएस 2024 एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो दो चीज़ों पे आपको फोकस करना है, एक इंग्लिश और दूसरा जीकेजीएस, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। और इसको ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए स्पेशल जो टेस्ट सीरीज है वो अनाउंस की है। इसका प्राइस केवल 99 रुपीज़ है, और यहाँ पर हम आपको लास्ट 3 ईयर्स के एसएससी सीएचएसएल सीजीएल एमटीएस सीपीओ के इंग्लिश और जीकेजीएस के सभी शिफ्ट के जो पेपर हैं वो सेक्शनल मॉक के फॉर्म में दे रहे हैं, प्लस लास्ट 3 ईयर्स के जो एमटीएस के पेपर हैं वो फुल मॉक के फॉर्म में दे रहे हैं, प्लस 20 अपडेटेड और लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड एमटीएस के फुल मॉक दे रहे हैं। उसके अलावा आपको हमारा पर्सनल सपोर्ट मिलेगा, अगर किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है तो पर्सनली आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। तो आज ही इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए। कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके पेड टेस्ट सीरीज में जब आप जाएंगे तो एमटीएस 2024 के नाम से आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। उसके अलावा एमटीएस वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए स्पेशली हमने ऑल इंडिया लाइव मॉक की सीरीज़ को स्टार्ट किया है, क्योंकि एमटीएस पे कोई ध्यान नहीं देता, हम स्पेशल ये लाइव मॉक आपके लिए करा रहे हैं और इसको आप लोग जरूर अटेम्प्ट किया करिए। ये हर संडे को होता है, सुबह 8 बजे से लाइव होता है और अगले 24 घंटे के लिए लाइव रहता है। तो ये भी एप्लीकेशन पर होगा, एप्लीकेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे हवलदार की स्टेट वाइज जो वैकेंसी है वो आपकी कंप्लीट आउट हो चुकी है। हवलदार में 3 तरीके की वैकेंसी आती हैं आपकी, एक तो हवलदार सीजीएसटी में आती हैं, फिर कस्टम में आती हैं और डायरेक्टरेट में आती हैं। तो आप कंप्लीट जो वैकेंसी हैं वो आप देख सकते हैं कहाँ पे कितनी वैकेंसी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि आपका औरंगाबाद में टोटल कितनी वैकेंसी है, आपकी 6 वैकेंसी हैं, ठीक है। उसके अलावा बेंगलुरु में आपकी 131 वैकेंसी रिपोर्ट हुई है, भोपाल में आपकी 157 वैकेंसी रिपोर्ट हुई, यानी कि नॉर्थ इंडिया वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसके अलावा भुवनेश्वर में आपकी 71 वैकेंसी रिपोर्ट हुई है, उसके अलावा चंडीगढ़ में 79 वैकेंसी रिपोर्ट हुई है, चेन्नई में 135 वैकेंसी रिपोर्ट हुई है सीजीएसटी में, दिल्ली में अगर बात करें तो 10 वैकेंसी सीजीएसटी में है, गोवा की अगर हम बात करें तो 13 वैकेंसी रिपोर्ट हुई है, गुवाहाटी में 140 वैकेंसी रिपोर्ट हुई है, हैदराबाद में मैक्सिमम 339 वैकेंसी आपकी रिपोर्ट हुई है, उसके अलावा जयपुर में 74 वैकेंसी रिपोर्ट हुई है, अच्छी वैकेंसी है जयपुर में आपकी, कोलकाता में आपकी 353 वैकेंसी रिपोर्ट हुई है, लखनऊ में अच्छी वैकेंसी है 72 वैकेंसी आपकी लखनऊ में हवलदार की आपकी रिपोर्ट हुई है। तो ये बहुत अच्छी अपडेट है आपके लिए जो बच्चे नॉर्थ से हैं, क्योंकि लखनऊ जैसे आप मान लेते हैं लखनऊ के आप रहने वाले हैं और लखनऊ में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत अच्छी जॉब आपकी मानी जाएगी, ठीक है। उसके अलावा मुंबई में बात करें तो 304 वैकेंसी रिपोर्ट हुई है, पुणे में अगर बात करें तो 9 वैकेंसी रिपोर्ट हुई है, रांची में आपकी 138 वैकेंसी रिपोर्ट हुई है, तिरुवनंतपुरम में 75 वैकेंसी रिपोर्ट हुई है, बड़ोदरा में मैक्सिमम 550 वैकेंसी रिपोर्ट हुई है, उसके अलावा चेन्नई कस्टम में 140, गोवा में आपकी 18, कोलकाता में 97। टोटल वैकेंसी का चार्ट आप देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी वो भी आप देख सकते हैं। टोटल आप देख सकते हैं वैकेंसी जो आपकी हवलदार की रिपोर्ट हुई है वो 3439 वैकेंसी रिपोर्ट हुई है। मैंने आप मेरे पुराने वीडियो उठा के देख सकते हो, मैंने पहले ही बहुत पहले से ये कहा था कि इस बार हवलदार में भी अच्छी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसमें ऑलरेडी अच्छी वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है, 3000 प्लस वैकेंसी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपको देखने को मिलेंगी। उसके अलावा 3439 वैकेंसी यहाँ पर रिपोर्ट हो चुकी है। उसके अलावा ढेर सारी मिनिस्ट्री की वैकेंसी बाकी है, ढेर सारे डिपार्टमेंट की वैकेंसी बाकी है। तो ओवरऑल इस बार आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छी वैकेंसी आने वाली है। अभी कितनी क्या वैकेंसी आएगी उसके बारे में बात करेंगे। तो टोटल हवलदार की 3439 वैकेंसी आपकी रिपोर्ट हो चुकी है, फाइनल जो चार्ट है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात करें तो ये चार्ट में कई बार आपको दिखा चुका हूँ, आप देख सकते हैं कंप्लीट किस जोन में कितनी वैकेंसी रिपोर्ट हुई है। टोटल 2700
टोटल आपकी 2731 जो वैकेंसी है वो आपकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रिपोर्ट हो चुकी है। अभी ढेर सारे जो जोन है उनमें वैकेंसी रिपोर्ट होना बाकी है। उसके अलावा अभी ये वैकेंसी कई जगह ऐसे जोन है जहाँ पे वैकेंसी अभी ये और अपडेट होगी, यानी कि वैकेंसी ये बढ़ेगी। तो आप ये मान के चल सकते हो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी 3000 प्लस वैकेंसी आपकी इस बार आपको देखने को मिलेगी। और अभी जो वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है उसको अगर हम जोड़ दें तो 6100 प्लस वैकेंसी आपकी अभी तक रिपोर्ट हो चुकी है। इन दोनों को मिला के 6100 प्लस वैकेंसी आपकी जो है वो रिपोर्ट हो चुकी है। लेकिन अभी कई जो यहाँ पे जोन है उनकी वैकेंसी आना बाकी भी, उसके अलावा ढेर सारी जो वैकेंसी हैं वो आपकी अपडेट भी होंगी। उसके अलावा हवलदार की तो वैकेंसी आ चुकी है, ढेर सारी मिनिस्ट्री की वैकेंसी आना बाकी है। उसके अलावा और भी यहाँ पे डिपार्टमेंट होते हैं उनकी वैकेंसी आना बाकी है। तो आप ये मान के चलो कि इस बार MTS में आपको 10000 प्लस वैकेंसी किसी भी कंडीशन में देखने को मिलेंगी। तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इससे पहले बहुत कम वैकेंसी थी, उससे पहले 2022 में अच्छी वैकेंसी थी, लेकिन इस बार 2022 के बाद ये आपके पास बहुत अच्छा सुनहरा मौका है कि आप MTS में सिलेक्शन ले सकते हैं। और उसके अलावा सबसे अच्छी बात क्या है कि इस बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अच्छी वैकेंसी है, और इनकम टैक्स वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट होता है। अगर यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपके प्रमोशंस के भी काफ़ी अच्छे चांस होते हैं। उसके अलावा वर्क प्रोफाइल काफ़ी स्मूथ होता है, ठीक है। तो 10000 प्लस वैकेंसी आपको इस बार देखने को मिलेंगी। तो अच्छे तरीके से एक स्ट्रेटजी बना के प्रिपरेशन करिए, और यहाँ पे जो सिलेक्शन आपका होगा वो GKGS के बेस पे होगा। तो GKGS का अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आप फोकस ये करो GKGS और इंग्लिश में दोनों मिला के 130 के आसपास आपको स्कोर लाना है। 130 स्कोर अगर नहीं आ रहा है तो क्या आपको स्ट्रेटजी अपनानी है, कहाँ पे कमियाँ हैं, उन पे आप काम करिए, ठीक है। उसके अलावा प्रीवियस जो क्वेश्चन है उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपकी टंग पे होना चाहिए, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के ही आप उसका आंसर बता दो, इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और हम आपके लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज हमने अनाउंस किए, और यहाँ पे हम आपको सारे के सारे प्रीवियस जो क्वेश्चन है वो प्रोवाइड करा रहे हैं। हम आपको लास्ट 3 इयर्स के SSC CHSL CGL MTS CPO के आपको लास्ट 3 इयर्स के इंग्लिश और GKGS के सभी शिफ्ट के पेपर जो हैं वो सेक्शनल मॉक के फॉर्म में दे रहे हैं, प्लस उसके अलावा MTS के लास्ट 3 इयर्स के जो पेपर हैं फुल मॉक के फॉर्म में दे रहे हैं, प्लस 20 अपडेटेड और लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड MTS के फुल मॉक दे रहे हैं। उसके अलावा पर्सनल सपोर्ट मिलेगा, इसका प्राइस केवल 99 रुपीज़ है। तो आज ही इसे ज्वाइन करिए, एप्लीकेशन पर जाके आप परचेज कर सकते हो। उसके अलावा आपके लिए ऑल इंडिया लाइव मॉक की सीरीज को स्टार्ट किया है, हर संडे को ये मॉक होता है, इसे आप लोग जरूर अटेंड किया करिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड होता है, प्लस लेटेस्ट और अपडेटेड जो क्वेश्चन है वो भी यहाँ पे उनका भी मिक्सचर आपको देखने को मिलेगा। ये सुबह 8 बजे से हर संडे को होता है और 24 घंटे के लाइव रहता है। तो ये भी एप्लीकेशन पे होता है, तो एप्लीकेशन को आप आज ही डाउनलोड करिए। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। अगर आप MTS एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम से लेकर के ज्वाइनिंग तक कंप्लीट हेल्प आपकी इस चैनल पर की जाएगी। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।